हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश कुमार माथुर है। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट के बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत विलेज रवान का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये पहले गांव था पर अब शहर बन गया है। इसका पूरा श्रेय जो अंबुजा सीमेंट को दिया जाता है। अंबुजा सीमेंट ने पूरे इस गांव एरिया था, देखो सड़कों भी देखिए अब इतना अच्छा बन गया है। पूरे सड़कों भी एकदम गुबड़ खाबड़ था पर अब अंबुजा सीमेंट ने पूरा जो प्लांट है जो यहाँ बन के और इतना पूरा एरिया को बदल दिया। आपको लग रहा हो कि ये गांव का वीडियो क्यों बना रहा है लड़का? एक्चुअली मैं गांव का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ये छोटे छोटे गाँव को, क्योंकि हर लोग बड़े बड़े गांवों को, बड़े बड़े शहरों को, हिमाचल प्रदेश, बड़े बड़े जगह को, घूमने वाली जगह को सब लोग वीडियो बनाते हैं, पर कोई ऐसा कोई दिमाग में लगाता नहीं कि चलो छोटे गांवों को, मतलब जो विलेज जो कैसा बन गया है, ये कैसा शहर है, कैसा छोटा जगह है, इसको कैसे बना है, कैसे रास्ता है, कैसे यहाँ पे स्कूल है, कैसे इसकी होटल है, कैसे इसकी जानकारी कोई देता नहीं है। ये देखिए, यहाँ से जाने का रास्ता है अंबुजा प्लांट जाने का। यहाँ से ट्रक भी जाती है, साथ में वर्कर लोग भी यहीं से जाते हैं। ये एक रोड दिख रहा है आपको, ये ना एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका की तरफ रोड गया हुआ है। मैं आपको अगला वीडियो में दिखाऊँ। ये एक छोटा सा नाला है जिसको नदी भी बोल सकते हैं। ये समुद्रों की पानी आती है इसमें और किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो जाती है इस पानी से। ये सब भी अंबुजा सीमेंट द्वारा लगाया गया। देखिए आपको ये गेट दिख रहा है, ये अंबुजा सीमेंट जाने का अंदर का रास्ता है। ये देखिए बाहर से ही आपको ये सेफ्टी बता रहा है कि सेफ्टी फर्स्ट है, तो अंदर से भी कितना सेफ्टी होगा ये तो फिर आप देख सकते हैं वीडियो के द्वारा। ये देखिए एक व्यक्ति अंदर काम करने जा रहा है, इसके सामने में देखिए कितना अच्छा और कितना बेहतरीन सुंदर चित्र सामने बनाया गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है यह चित्र। ये अंबुजा कॉलोनी है, इसके अंदर हॉस्पिटल भी है जो 24 घंटा खुला रहता है। इसके अंदर एक मंदिर है जो बड़ा सा है, शिव भगवान, दुर्गा भगवान, बजरंगबली सभी भगवान हैं इसमें। जिस अभी तो कोरोना टाइम इसलिए इसमें भीड़ नहीं लग रही, तो बहुत भीड़ लग रहता था बाहर से भी। और इसके अंदर प्लेग्राउंड भी है, झुलवा भी है, गार्डन भी है, घूमने की जगह बहुत अच्छी जगह ही है। अभी कोरोना टाइम है तो हम अंदर जा नहीं पा रहे, हमको जाने भी नहीं दे रहा है, लेकिन आपको बाहर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसका ध्रुव होटल है जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध एरिया है। ये मतलब यहाँ पर बहुत सारे खाने चीज़ें हैं जो बनते, समोसा वमोसा जो देखिए अभी समोसा बना हुआ है या पूड़िया बना हुआ है। यहाँ पर से जो खाने का जो नाश्ता रहता है ना, जो बहुत अच्छा ही रहता है। यहाँ पर सब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। यहाँ पर भले लग रहा है आपको छोटा जगह, लेकिन बहुत छोटा जगह नहीं। यहाँ पर देखो जलेबियाँ बहुत अच्छा और मीठी आती है। देखिए ये हमारे भैया जी हैं जो बाबा, क्या है ना अभी कोरोना टाइम है तो अभी देखिए कोई व्यक्ति अभी नहीं है, तो थोड़ा इन लोग का भी थोड़ा कम चल रहा है, क्या करें कोरोना टाइम है बाबा। ये देखिए चलो बाबा जी से बात करते हैं। बाबा कैसे चला था अभी पूरा काम? हम अभी काम तो थोड़ा ढीला है, थोड़ा ढीला है ना अभी। ये कोरोना सब पूरा ढीला करके रख दिया है ना, इसलिए सब इसी की वजह से पूरे बेचारे लोग ढीले हैं, क्या करें अभी कोरोना टाइम है, ऐसा ही सीजन चल रहा है। भले छोटा लग रहा है आपको देखने में, लेकिन ये तो 5-स्टार होटल से कम नहीं। यहाँ पे इतने लोग भीड़ रहते थे कि पता नहीं, अभी ये 2 सालों से इतना कोरोना टाइम आ गया, इस वजह से ना पूरा ढीला हो गया है बेचारे। देखो इतना सुख के सपड़ा हो गया है ये भैया लोग जरा। ठीक है भैया आ गया और आपको दिखाएंगे, अभी तो हम खा नहीं सकते क्योंकि अभी हमें आगे के और दिखाना है आपको वीडियो, तो इसलिए अभी चलते हैं आगे। एक छोटा सा मंदिर है जिसमें शिव भगवान का शिवलिंग है। इसके बगल में दिखा रहा हूँ आपको, ये छोटा सा तालाब दिख रहा है, लेकिन आपको ये बड़ा तालाब है। ये इसमें छठ पूजा, विसर्जन, सभी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। इस तालाब में बड़े बड़े मछलियाँ भी हैं। ये देखिए यहाँ से भी प्लांट, अंबुजा सीमेंट प्लांट दिख रहा है। मैं थोड़ा दूर हूँ इसलिए आपको नज़दीक करके दिखा रहा हूँ, क्या है ना मैं उधर जा नहीं सकता, इसलिए मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ मैं ये वीडियो को। ये अंबुजा सीमेंट जो फाउंडेशन है ये है, मैं यहाँ क्या बोलूँ, मैं इंडिया का पूरा बेस्ट अंबुजा सीमेंट प्लांट है जो सीमेंट हमें बेस्ट से बेस्ट सीमेंट बना के देता है, कोई मिलावटी नहीं रहता है। ये देखिए अंबुजा मंदिर है जो अंबुजा के द्वारा बनाए गए हैं। ये आपको बाहर का रोड से दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए इसके बगल में हनुमान जी का मंदिर है जो पंचमुखी मंदिर है। चलिए मैं आगे लेके आपको दिखाया जाता है, पंचमुखी मंदिर के दर्शन करवाते हैं। चलिए ये देखिए भगवान जी का मूर्ति है आपको, जय बजरंगबली। चलिए ये देखिए पंचमुखी मंदिर, इसके बगल में एक प्राथमिक स्कूल है जो गवर्नमेंट का है। ये देखिए दूर से ही देखो तो चल रहा है, देखिए कितना अच्छा ट्रेनों का बनाया गया है बाउंड्रियों में, अंबुजा सीमेंट के द्वारा ही अभी बनाए गए हैं। ये कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है ये ट्रेनें, इसमें देखो कुछ कुछ लिखाए हुए भी हैं, हाथ धो के खाना खाएँ, सफाई करके धोएँ करके बोल रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए स्कूल का थोड़ा नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए गेट है, मेन गेट, ये गेट के देखिए थोड़ा सा दिख रहा है अंदर स्कूल।
ये देखिए इतना छोटा प्लेग्राउंड जैसा है स्कूल ये। ये देखिए आपको बाहर देखिए, आप इसको इंजन को दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसका इंजन है ये ट्रेन का। देखिए आप चलिए मैं आपको ना ये BVM भारतीय विद्या मंदिर स्कूल का मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ का रवान का है जो प्राइवेट स्कूल है, जो इसमें ना एक खासियत है कि ये 12वीं तक ले स्कूल है। यहाँ ये पूरे 12वीं स्कूल तक है। यहाँ पर बच्चे लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब स्टूडेंट लोग पढ़ने आते हैं, जो भी अच्छा अच्छा जॉब कर रहे हैं अभी बहुत अच्छा है कर रहे हैं। ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए भारतीय विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल रवान। ये हिंदी मीडियम स्कूल भी है, इसका पढ़ाई भी सबसे बेस्ट है। ये स्कूल को हम रवान में सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट स्कूल बोलते क्या ये है भी। इसमें खेल कूद भी हो जाता है, टाटा स्काई भी लगा हुआ, सभी कुछ है, कंप्यूटर भी क्लास है, सब कुछ है, बढ़िया मस्त। ये देखिए दूर से स्कूल का नज़ारा। ये मैं आपको बाहर से ही मैं अंदर का थोड़ा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए बस देखिए सब लगे हुए हैं, प्ले ग्राउंड है दिख रहा होगा और स्टेज है। इस यहाँ के भी बच्चे लोग इंटरनेशनल नेशनल तक खेल रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से बच्चे लोग स्कूल। मैं अब कोरोना टाइम में तो इसलिए सब ताला वाला लगा हुआ, इसलिए मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बाहर से इस वीडियो को दिखा रहा हूँ। मैं आपको इस रवान गांव के गवर्नमेंट स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल है जो 9th और 10th बस है, इसमें ज़्यादा कोई है नहीं है। ये देखिए स्कूल दिख रहा है आपको, ये गवर्नमेंट स्कूल है आपका। ये देखिए हम थोड़ा सा आगे आए तो शासकीय हाई स्कूल रवान का मिला, जो 9th और 10th क्लास का स्कूल है ये। ये स्कूल भी बहुत अच्छा बेस्ट है, भले शासकीय है बोल को बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं होती, अब शासकीय भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। देखिए हम बाहर से ही हमको दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर स्कूल का नज़ारा, और आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ कि इसमें ताला वो लगा, इसलिए हम अंदर जा नहीं पा रहे, इसलिए आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट से मैं बात करवाता हूँ आपको। भाई थोड़ा बताइए स्कूल के बारे में। ये 10वीं तक है अभी। हाँ 10वीं तक है ना बस, ये 11th 12th नहीं बना ना इसमें। नहीं, नहीं, बनने वाला था लेकिन अभी रुक गया ना 11th 12th। यहाँ का पढ़ाई वढ़ाई कैसा होता था? बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है ना, पढ़ाई वढ़ाई अच्छा है, टीचर वीचर भी सब अच्छा है ना, यहाँ पर सब अच्छे है ना। तो स्कूल मतलब ये बोलोगे ना तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट लोग यहाँ पे पढ़ पढ़ के टॉप भी करते हैं। जो पढ़ है वो टॉप करेगा, जो नहीं पढ़ है टॉप नहीं करेगा, कहीं भी का रूल है ना भाई। चलो भाई अच्छा किया आप थोड़ा बता के स्कूल के बारे में, ये स्कूल के बारे में थोड़ा अच्छा बात है। ठीक है चलो आगे, मैं आपको और आगे लेके चले जाता हूं। अमूजा सीमेंट लिमिटेड के स्कूल है ये, सन 1988 में बना था। ये इंग्लिश स्कूल है, ये स्कूल बोर्ड CBSE बोर्ड है, इसका लेवल सीनियर सेकेंडरी है। ये हॉस्टल भी इसके लिए उपलब्ध है, जो बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल चाहिए रहता है जो। और ये प्ले ग्राउंड भी है इस स्कूल में, यह सभी प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है, जो भी फेस्टिवल आता है उसको मनाया जाता है। इसकी रोड देखिए कितना अच्छा है, रोडे में है जगह में, अच्छा जगह और कितना सुंदर है ये जगह। इंडिया का बेस्ट टॉप स्कूल है ये, अमूजा सीमेंट द्वारा बनाया गया अमूजा विद्यापीठ। आपको यहाँ पर सभी प्रकार की आपको सुविधा, सभी चीज़ की सुविधा दिया गया है यहाँ पर आपको। चलिए मैं तो अपना रवान स्कूल गांव दिखा दिया हूँ कि ये कैसा गांव है करके, कि कैसा एरिया है करके। जो आदमी लोग देख नहीं पाते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं आप वीडियो द्वारा। और इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरा लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए।